हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे लीशियस चिकन ड्रमस्टिक। सबसे पहले मैंने आधा किलो ड्रमस्टिक्स लिए हैं। लीशियस का चिकन बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब इन ड्रमस्टिक्स में आपने स्मॉल कट्स लगाने हैं। ये कट्स हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि मैरिनेशन करते टाइम जो भी सामान हम डालें वो अच्छे से चला जाए इसके अंदर। एक मिर्ची कटी हुई, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लीशियस मीट मसाला, ये डाल के हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब साथ में मिलाएंगे 4 चम्मच दही। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसे जितना अच्छा मिक्स करेंगे चिकन उतना अच्छा बनेगा। अब चिकन को 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब मैं ले रही हूँ 2 बड़े प्याज जिन्हें मैं बारीक चॉप कर लूँगी और 3 टमाटर की प्योरी बना लूँगी। अब कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। तेल में डालूँगी जीरा, इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्च, बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल, कुछ लौंग और ब्लैक पेपर। इन्हें मिक्स कर लो। अब मैं इसमें डालूँगी अपना चॉप्ड अनियन, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, इसे भी मिला लें, अच्छे से भून लें। अब कुछ सूखे मसाले जाएंगे, इसमें हल्दी, मिर्ची, कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर। इन मसालों को अच्छे से भून लें प्याज के साथ। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। इसे मसाले के साथ अच्छे से भून लें, पका लें। थोड़ा सा लीशियस का मसाला और साथ में मैरिनेट किए हुए बाउल में जो मसाला बचा था थोड़ा पानी मिला के वो इसमें डाल लें। अब इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएं। 10 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखने में लग रहा है ना बहुत सुंदर। इस टाइम पे ये हाफ कुक हो चुका है। अब फिर से ढक्कन लगा के इसे कुछ देर पकने दें और ढक्कन हटाने के बाद आपका चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी मैं आपको 1 चम्मच से तोड़ के बताती हूँ कि पीस गल चुके हैं। जब आपका मसाला अच्छे से पक जाए तब इसके ऊपर डाल दीजिए टमाटर की प्यूरी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। इस स्टेज तक आपका चिकन 80% कुक हो चुका है। अब आपने 20% जो है अपने टमाटर की जो प्यूरी है इसकी रॉ स्मेल जाने तक इसे कुक करना है ताकि जो टमाटर का कच्चापन होता है वो चला जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे जो हमने पहले नहीं डाला था। ध्यान रहे आपने मैरिनेशन के समय भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो नमक इस बार थोड़ा ध्यान से डालें। इसे अच्छे से मिला लें। अब इसे ढक दें थोड़ी देर के लिए और ढक्कन हटाने के बाद आपका चिकन बिल्कुल बनके तैयार है। ये जिस तरीके से पानी उबल रहा है ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और आपका चिकन इस स्टेज पे बिल्कुल बनके तैयार है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इस चिकन को किसके साथ खाना है। अगर आपने चावल के साथ खाना है तो आप इस ग्रेवी को ऐसे ही रहने दें। अगर आपने चपाती के साथ खाना है तो आप इस ग्रेवी को थोड़ा और सुखा सकते हैं। बस आपका चिकन बन गया है। अब गैस बंद कीजिए और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। मेरा यकीन मानिए चिकन बहुत टेस्टी बना है। मेरी प्लेटिंग उस चीज़ को इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, पर ये चिकन बहुत टेस्टी बना है।
अब इसके ऊपर कुछ स्लाइस्ड अनियन के रख के आप इसे सर्व कर सकते हैं। बस अब जल्दी से खा लो।